नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हेल्थ एंड मेडिसिन हिंदी में। आज के वीडियो में मैं आपको चारकोल सोप के बारे में बताने वाला हूं कि चारकोल सोप क्या है, एक्टिवेटेड चारकोल क्या है, चारकोल सोप के अंदर कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स होते हैं, चारकोल सोप के क्या फायदे हैं और चारकोल सोप यूज करने से पहले हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। वीडियो शुरू करने से पहले पिछले वीडियो की अपडेट दे देता हूँ। पिछले वीडियो में हमने बात की थी स्नोरिंग यानी कि खराटों के पीछे कौन कौन से कारण रिस्पॉन्सिबल होते हैं उसके बारे में। वीडियो के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। देखिए, चारकोल सोप एक्टिवेटेड चारकोल से बनता है और काफी लोकप्रिय हुआ है इसके त्वचा संबंधित फायदों की वजह से। चारकोल सोप के बारे में जानने से पहले हमें एक्टिवेटेड चारकोल के बारे में जानना काफी जरूरी होता है। सबसे पहले बात करते हैं एक्टिवेटेड चारकोल क्या है। देखिये, एक्टिवेटेड चारकोल कार्बन का ही एक रूप है। कुछ स्पेसिफिक प्रोसेस करके पोरस स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है जिसमें बहुत ही ज्यादा मात्रा में लो वॉल्यूम छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिससे सरफेस एरिया बढ़ जाता है। और जब भी एक्टिवेटेड चारकोल को किसी भी सरफेस पर हम काम करने के लिए छोड़ते हैं तो वहां मौजूद जो एक्टिवेटेड चारकोल के अंदर जो भी पोर्स होते हैं उसमें इंप्यूरिटीज गंदगी उसकी तरफ खींची चली आती है, ऑयल उसके तरफ खींचा चला आता है और जो सरफेस होती है जहां पर एक्टिवेटेड चारकोल का हमने यूज किया था वह सरफेस एकदम से क्लीन हो जाती है। अब बात करते हैं चारकोल सोप के इंग्रेडिएंट्स के बारे में। सबसे पहला है बेस ऑयल्स जिसमें कोकोनट ऑयल, ऑलिव ऑयल, सी बटर और कुछ दूसरे नरिशमेंट ऑयल का समावेश होता है। बेस के रूप में एक या फिर अधिक तेल का उपयोग किया जाता है। नंबर दो है एक्टिवेटेड चारकोल। एक्टिवेटेड चारकोल चारकोल सोप का मेन इंग्रेडिएंट है और जो कुछ भी फायदे हमें चारकोल सोप से मिलने वाले है वह एक्टिवेटेड चारकोल यानी कि जो मेन इंग्रेडिएंट है उसके ही आभारी होते हैं। नंबर तीन है सम एसेंशियल ऑयल। देखिए, अतिरिक्त फायदों के लिए और स्मेल यानी कि सुगंध के लिए कुछ एसेंशियल ऑयल्स का उपयोग किया जाता है। उदाहरण के तौर पर साबुन के अंदर एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज ऐड करने के लिए साबुन के अंदर एसेंशियल ऑयल के रूप में टी ट्री ऑयल यूज किया जाता है। उसके सामने सूथिंग इफेक्ट के लिए लेवेंडर ऑयल का भी उपयोग किया जाता है। अब बात करते हैं चारकोल सोप से होने वाले कुछ फायदों के बारे में। सबसे पहला फायदा है डीप क्लींजिंग। चारकोल सोप का स्ट्रक्चर ही कुछ इस प्रकार से होता है यानी कि पोरस स्ट्रक्चर होता है जिसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं। जब भी हम त्वचा पर चारकोल सोप का उपयोग करते हैं तो त्वचा पर मौजूद जो इम्प्यूरिटीज होती है, जो हमारे त्वचा पर मौजूद ऑयल के साथ जुड़ी हुई होती है, वह साबुन की तरफ खींची चली आती है और डीप क्लींजिंग होता है जिससे हमारी त्वचा साफ हो जाती है। नंबर दो है ऑयल कंट्रोल। देखिये, जिन लोगों की त्वचा तैलीय है यानी कि ऑयली है उनके लिए चारकोल सोप बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। जब भी त्वचा पर हम चारकोल सोप का उपयोग करते हैं तो त्वचा पर मौजूद एक्सेस जो ऑयल होता है वह रिमूव हो जाता है जिसकी वजह से इम्प्यूरिटीज भी त्वचा पर चिपकती नहीं और त्वचा साफ रहती है। नंबर तीन है एक्सफोलिएशन। देखिए, चारकोल सोप का टेक्सचर ही कुछ इस प्रकार से होता है कि हमें जेंटल एक्सफोलिएशन का फायदा मिलता है। मतलब कि जब भी हम चारकोल सोप को अपनी स्किन पर यूज करते हैं तो स्किन पर मौजूद जो डेड सेल्स होते हैं, जो डेड स्किन होती है वह रिमूव हो जाती है जिससे हमें स्मूथर कॉम्प्लेक्सेशन मिलता है। नंबर चार है सूदिंग इफेक्ट। देखिए, चारकोल सोप में मौजूद एक्टिवेटेड चारकोल और दूसरे एसेंशियल ऑयल की मदद से जो त्वचा पर इरिटेशन होता है वह कम हो जाता है जिसकी वजह से एक्जिमा और सोरियासिस जैसी जो स्किन कंडीशन होती है उसमें भी राहत मिलती है। हालांकि ये जो फायदा है वह पर्सन टू पर्सन अलग हो सकता है। देखिए, अगर किसी व्यक्ति को पहले से ही कोई मेडिकल कंडीशन है, स्किन कंडीशन है जैसे कि एक्जिमा है या फिर सोरियासिस या फिर डर्मेटाइटिस कोई भी रोग है तो उन्हें चारकोल सोप का उपयोग करने से पहले अपने स्किन स्पेशलिस्ट यानी कि जो डर्मेटोलॉजिस्ट है उससे बात करनी काफी जरूरी हो जाती है। नंबर पांच है एंटी एजिंग। देखिए, जब भी हमारी त्वचा के ऊपर से डेड स्किन, डेड सेल्स और इम्प्यूरिटीज यानी कि गंदगी दूर हो जाती है तो फिर हमारी त्वचा में एक अलग सा ही निखार आ जाता है और रिंकल्स होने की समस्या भी कम हो जाती है जिसकी वजह से हमारी त्वचा यंग दिखती है। नंबर छह है मिनिमाइज पोर्स। चारकोल सोप के रोजाना उपयोग से हमारी त्वचा पर जो एनलार्ज पोर्स होते हैं यानी कि जो बड़े पोर्स होते हैं उसके अंदर जो इम्प्यूरिटीज जमा हुई होती है वो रिमूव हो जाती है और पोर्स की संख्या भी कम हो जाती है जिसकी वजह से बाहर की जो गंदगी होती है वो हमारी त्वचा के भीतर नहीं आती और हमारी त्वचा साफ रहती है। नंबर सात है एक्ने रिडक्शन। चारकोल सोप के उपयोग से मुहासों की समस्या को दूर किया जा सकता है। देखिए, जिन लोगों की त्वचा तैलीय है उनके चेहरे पर अक्सर ऑयल जमा हो जाता है जिसकी वजह से जो बाहर की धूल होती है, मिट्टी होती है, बैक्टीरिया होते हैं, इम्प्यूरिटीज होती है, वह चेहरे पर चिपक जाती है ऑयल के साथ जिसकी वजह से वहां पर मुहासे होने की समस्या रहती है। जब भी आप चारकोल सोप का उपयोग करते हो तो वह एक्सेसिव जो ऑयल है वह रिमूव हो जाता है जिसकी वजह से इम्प्यूरिटीज, बैक्टीरिया वो भी
रिमूव हो जाते हैं और मुहासों की समस्या दूर हो सकती है। अब बात करते हैं कुछ जनरल प्रिकॉशंस के बारे में कि जब भी आप चारकोल सोप का उपयोग करें तो आपको उपयोग से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहला है स्किन टैप। वैसे तो चारकोल सोप सभी प्रकार के स्किन टैप के लिए बेहतरीन होता है, लेकिन अगर किसी व्यक्ति की स्किन बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है या फिर एक्सेसिव ड्राई है तो ऐसे केसेस में थोड़ा विशेष ध्यान रखना चाहिए। नंबर दो है पैच टेस्ट। देखिए, जब भी कोई नई प्रोडक्ट हम त्वचा पर इस्तेमाल करने वाले हैं तो उससे पहले हमें पैच टेस्ट करना जरूरी होता है। पैच टेस्ट में होता यह है कि जो भी नई प्रोडक्ट हम यूज करने वाले हैं वह थोड़ी सी प्रोडक्ट लेकर त्वचा के थोड़े से भाग पर उसे लगाना है, ताकि हमें पता चल जाए कि कोई एलर्जिक रिएक्शन या फिर कोई भी प्रॉब्लम, कोई समस्या होगी कि नहीं। अगर ऐसा कुछ भी होता है, कोई रिएक्शन होता है, तो फिर हमें पता चल जाएगा कि यह नई प्रोडक्ट हमारी त्वचा के लिए सुटेबल नहीं है, तो उसे हम यूज नहीं करेंगे। कुछ इस प्रकार से ही जब भी आप चारकोल सोप का उपयोग करते हो, आपकी स्किन सेंसिटिव है, तो फिर आपको पैच टेस्ट करना काफी जरूरी होता है। नंबर तीन है आस्क योर डॉक्टर। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है या फिर आपको पहले से ही कोई त्वचा संबंधित रोग है, कोई स्किन कंडीशन है, तो ऐसे केसेस में चारकोल सोप उपयोग करने से पहले आपको अपने स्किन स्पेशलिस्ट यानी कि डर्मेटोलॉजिस्ट से बात करनी काफी जरूरी हो जाती है। नंबर चार है फ्रीक्वेंसी, यानी कि हफ्ते में कितनी बार यह साबुन का उपयोग करना है। देखिये, वैसे तो आप रोजाना इसका इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन जैसे हमने पहले बात की कि अगर किसी व्यक्ति की त्वचा एक्सट्रीमली ड्राई है या फिर सेंसिटिव है, तो उस व्यक्ति को हफ्ते में सिर्फ 2 से 3 बार ही चारकोल सोप का उपयोग करना चाहिए। तो यह थी जानकारी, चारकोल सोप क्या है, उसके इंग्रेडिएंट्स क्या है, चारकोल सोप से क्या फायदे मिलते हैं और चारकोल सोप यूज करने से पहले हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है उसके बारे में। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आज का वीडियो ध्यान से देखने और सुनने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।